श्री ने मेरा सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। तुझे सब पता था? हाँ, हमें पता था। जब हम माँ से बात करके रसोई में लौटे, तब हमने देखा कि गोभी का बाउल थोड़ा गीला हुआ था, पर हमने इग्नोर कर दिया। पर फिर जब हम आटा उतारने के लिए पलटे, तब हमने तेरी परछाई देख ली थी, तो चुपके से भाग रही थी। पहली बात तो तू रसोई में आती नहीं, और जब भूले भटके आ गई थी तो तू हमें बिना ताने दिए जा रही थी। ये तो हमें फंसाने के लिए कोई चाल ही हो सकती थी। तू खुद को समझती क्या है? समझती है विद्या जैसी हरकतें करके हमारा दिल जीत लेगी, कभी नहीं। लेकिन उसके हाथ का खाना और उसकी बातें हमें विद्या की याद क्यों दिलाती हैं? अरे अम्मा, वो मिस्री तुमको अपने जाल में फंसा रही है। अरे सब तुम्हारा वहम है वहम। विद्या दीदी जैसी उनकी बेटी अन्नू है, वो मिस्री नहीं। अब तो लगता है दोनों का मुकाबला करा के तुम्हारी तसल्ली होगी। हाँ, तेरा और हमारा कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। हमें तेरी फैमिली को छीनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुकाबला करने की कोशिश भी मत करना, वरना तेरा मजाक बन जाएगा, समझी? अरे अम्मा, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे मुकाबला पुकाबला छोड़ो। हाँ, मजाक ही मजाक में तूने सही सुझाव दे दिया यशोदा। जा, जाके बोल दे अनु और मिश्री से कि तैयार रहे, कल उन दोनों का मुकाबला होगा। विद्या, हमारी एक तरफ तेरी बेटी है और दूसरी तरफ उलझन वो लड़की जिससे हमें नफरत करनी चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि वो हमें तेरी याद दिलाती है। बेटा, अब ये संजोग है, हमारा वहम है या इसमें कोई सच्चाई है, ये हम जान के रहेंगे। ना, छुपाए जो, छुपाए जो। वैसे तो हर दिन हर पल हम उसे याद करते हैं, लेकिन पता नहीं पिछले कुछ दिनों से हमें बार बार विद्या यही सोचते हैं कि विद्या होती तो क्या करती, विद्या होती तो क्या कहती। लेकिन अब हम देखना चाहते, और ये एक मुकाबले के जरिए हमें अनु और मिश्री दिखाएगी। अटकती आत्मा कहाँ फंसा दिया? कैसा मुकाबला माँ? इस मुकाबले के पहले पड़ाव में तुम दोनों को घर का एक एक कोना या एक एक कमरा चुनना होगा।
वैसे तो विद्या जैसी सजावट केवल विद्या ही कर सकती थी। लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई एक भी उसके पास भी पहुंचाना तो वो ये मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन नकल नहीं करना है, कोशिश करनी है, क्योंकि सच्ची कोशिश खाली नहीं जाती। अगर अनु जीत गई तो हमारी उलझन खत्म हो जाएगी। और अगर मिश्री जीती तो हमारी नफरत खत्म हो जाएगी और हम उसे अपना लेंगे। क्या? पर पूर्णी, ये तो अन्याय है। अरे विद्या कहा करती थी, कैसे करती थी, वो बेचारी मिश्री को कैसे पता होएगा? हाँ, कैसे पता होएगा? जी माँ, मौसी सही कह रही है। नानी, हमारा तो सोचिए, मैंने तो माँ के साथ वक्त भी नहीं बिताया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? वक्त ना सही तुझे, विद्या के संस्कार तो मिले और तुझे मौका। अब देखते हैं तू क्या करती है। इसलिए चलो जल्दी से घर का एक एक कोना चुन लो और मुकाबला शुरू कर दो। और याद रहे, तुम दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। क्या हुआ? डर लग रहा है? शेर जीते हमारे सामने आते ना, मिश्री माइंड नहीं करती, पर हमारे सामने दादी माँ का चैलेंज आ गया है। थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ही ना। क्या? नथिंग, कुछ नहीं। वो ये सब क्या है? ये बुआ की फोटोज, वीडियोस, ये सब। इसे देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि बुआ कैसी थी, उन्हें क्या पसंद था, वो क्या कुछ करती थी। और फिर तुम कॉम्पिटिशन जीत जाओगे। आप हमें चीटिंग करा रहे हो? चीटिंग नहीं कहते इसे, हेल्प कहते। एग्जाम में 7 वाले की कॉपी में झांकने वाले बच्चे भी यही कहते। सुनो, पहली बात, अनु जो है वो विद्या बुआ की बेटी है, तो इसीलिए वो जो कुछ भी करेगी उसमें बुआ का टच तो जरूर होगा। सेकंडली, वो अनु है मिश्री, सही गलत तो कुछ नहीं देखेगी। खेल जीतने के लिए उसे जो करना पड़े वो तो जरूर करेगी। तुम्हें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। देखो, अगर अनु ये कॉम्पिटिशन जीत गई ना, दादी तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। अगर दादी माँ हमें मन से अपनाए तो वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा अर्जुन। अगर धोखे से अपनाना, ये हमें मंजूर नहीं। Are you sure? क्योंकि अनु तो ये खेल जीतने के लिए खेल रही है, बता दो। हम भी, मगर सबका दिल जीतने के लिए। क्या? कुछ नहीं, तुम बताओ ये कि तुम क्या करने वाली हो? क्या करने वाले हैं ये तो नहीं बता सकते, पर कैसे करने वाले हैं ये बता सकते हैं पूरी सच्चाई से। विद्या आंटी की हर बात, हर याद बहुत प्यारी और सच्ची थी। हम बस अपनी कोशिश में उनकी उस सच्चाई को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे।
हो सकता है उसके बाद चैलेंज प्रिया जीत जाए, लेकिन अगर हमारी कोशिशों को देखकर दादी माँ एक बार भी मुस्कुरा देना तो हम लाइफ में जीत जाएंगे अर्जुन। अरे विद्या जीजी की डायरी यहाँ कहाँ आई होगी? पर तू का करेगी? चिटिंग। मासी, मैं माँ की डेथ के टाइम इतनी छोटी थी, मुझे कैसे पता था वो घर कैसे सजाती थी, क्या करती थी, इसलिए मुझे माँ की वो डायरी चाहिए। प्लीज चलिए ढूंढिए उसे। हाँ। राम भला करे, अरे अम्मा को पता चलेगा ना, चटनी की तरह कुकु कूट देंगी तुमको। क्यों कूटेंगी, मैं भी तो उनकी नातिन हूँ, और वो भी तो यही चाहेंगी ना कि मिश्री नहीं मैं जीतूं। और अगर मिश्री जीती तो नानी उसे अपना लेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मिश्री सबसे पहले इस घर से मुझे आउट करेगी। हाँ, आपका और बल्लू अंकल का जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है ना, वो भी हड़पेगी। इसलिए मिश्री को हराना मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी उतना ही जरूरी है मासी। तो खड़ी खड़ी बतिया कह रही है, चल डायरी ढूंढ। हाँ, चलो। माँ, रात को आप क्या खाएंगी? या कुछ भी बना लो, जो सबके लिए बनेगा वही खा लेंगे। मैं सोच रही थी आपके लिए हलवा बना दूं। हाँ, सूजी का हलवा बना लो। तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। आज विद्या की बहुत याद आ रही है। उसकी डायरी पढ़ लेते हैं। उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि विद्या हमारे पास ही है। चली गई। अब डायरी भी मेरे पास है और मिश्री को हराने का रास्ता भी। इसके हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे माँ को वो जगह पसंद है जहाँ से सबका वेलकम होता, मतलब ड्राइंग रूम। मैं वही सजाऊंगी। यशोदा, राम भला करे। हाँ माँ। बेटा, वो विद्या की डायरी कहाँ रखी है पता है? हाँ माँ। ना माँ, तो कहाँ रख दी? माँ चिंता मत करिए, यही कहीं होगी, हम ढूंढ देते हैं, मिल जाएगी। हाँ माँ, भाभी है ना, भाभी ढूंढ देगी। तुम चिंता मत ही करो, खुश रहो, पापड़ खाओ। नानी, मैंने सोचा मैं ड्राइंग रूम सजाऊंगी, मिश्री का तो पता नहीं। मंदिर। पुनी,
बहुरिया कह रही कि वो मंदिर सजाएगी। ठीक है तो फिर मुकाबला शुरू करो, लेकिन तुम दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जलकार हो, चित्कार हो, हमरा मतलब शुरू करो। जी नानी। ये प्रियंका और निक जोनस की फोटो में जो सोफा है ना, सेम वही चाहिए। और यस, आलिया और रणबीर की फोटो में ये जो लाइटें दिख रही है, आई जस्ट वांट दिस। या और दीपिका के फोटो में ये जो तुम्हें कुशन और गद्दियां दिख रही है ना, सेम वैसी सबसे महंगी सजावट करवाऊंगी। शाहरुख के फोटो में ये जो बैकग्राउंड में तुम्हें दिख रहा है ना, हाँ सेम यही सोफा चाहिए। ओके, या श्योर। बुढ़िया अपनी बेटी को सोने से तोलती होगी। अरे कमार, 2 किलो फूल और 10 रुपए के रंग से सजावट करने चली। इसकी सजावट से बुढ़िया को विद्या की याद तो नहीं, पर हाँ गुस्सा जरूर आएगा। और इम्प्रेस वो मेरी महंगी सजावट से होने वाली है। अरे अर्जुन, हमें नहीं पता था, हम अभी कपड़े से साफ कर लेते। और नहीं, नहीं। अर्जुन, आप हमारे बालों को, मैं तुम्हारे बालों को
कुछ नहीं कर रहा था मैं। मैं तुम्हारे बालों से जेलस थोड़ी ना हूँ। मेरे भी अपने बाले हैं, देखो घने हैं, मुलायम है, डार्क ब्राउन है। मेरे क्लाइंट मेरे बालों का वेट करें, मेरा वेट कर रही मैम। अर्जुन वो बाहर जाते हुए को पीछे से आवाज नहीं लगाते ना, इसलिए हम ही आगे आ गए। जाते जाते बेस्ट ऑफ लक तो बोलो। ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक मिश। थैंक यू। सॉरी अर्जुन, हमें नहीं पता था, हम अभी कपड़े से साफ कर लेते। और नहीं नहीं कुछ रुक। बेटा, शादी के समय तूने अपनी मर्जी से मिश्री की मांग भरी थी, और देख आज मिश्री की मांग में सिंधु माता रानी की मर्जी से भरा गया है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के रिश्ते पे माता रानी का हाथ है, और तुम दोनों का साथ जन्म जन्म का है। शादी के समय तूने अपनी मर्जी से मिश्री की मांग भरी थी, और देख आज मिश्री की मांग में सिंधु माता रानी की मर्जी से भरा गया है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के रिश्ते पे माता रानी का हाथ है, और तुम दोनों का साथ जन्म जन्म का है। बेटा, शादी के समय तूने अपनी मर्जी से मिश्री की मांग भरी थी, और देख आज मिश्री की मांग में सिंधु माता रानी की मर्जी से भरा गया है। इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के रिश्ते पे माता रानी का हाथ है, और तुम दोनों का साथ जन्म जन्म का है।